भेजा गया, जिसका मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उसका कुंवारी मरियम का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास अंदर आकर कहा, आनंद और जय हो तेरी, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु आपके साथ हैं। वह उस वचन से बहुत घबरा गए और सोचने लगे कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, अभिभूत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देखे, आप गर्भवती होंगे और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान महाप्रताप का पुत्र कहलाएगा और परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देंगे और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेंगे। उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, या कैसा होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा अब पर उतरेंगे और परम प्रधान सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझमें पूरा हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम के पिता यूसुफ ने, जो धार्मिक था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके सामने में दिखाई देकर कहने लगा, दाऊद के संतान, तुम अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आना, आने से मत डरना, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपनी लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यीशु नींद से जग कर प्रभु के आज्ञा के अनुसार अपने पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उसके वहाँ रहते ही उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वहाँ अपना पहला एकलौटा जन्मे और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। उस देश में कितने गडेरिया थे जो रात के मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, तो प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, आप डरो नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, और उनका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में
लपेटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्ग दूत और चरनी में पड़ा पाओगे तब एकाएक उस स्वर्ग दूत के साथ स्वर्ग दूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए या कहते हुए दिखाई दे। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिससे वह प्रसन्न हो शांति हो। जब स्वर्ग दूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरिया ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर यह बता बातें जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है। देखिए हेरोद ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उसे पूछा कि तारा ठीक इसी समय दिखाई दिया था, यह कहकर बेतलेहम भेजा। उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बातें सुनकर चले गए और जो तारा उन्हें पूर्व में दिखाया था वह उसके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह से पहुंचकर ठहर गए। तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उसे बालक को उसी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना लोबन गांधरस की भेंट पाई चढ़ाए। इसी तरह यीशु मसीह का जन्म एक छोटे से गौशाले घर में हुआ था जिस दिन को हम क्रिसमस कहकर मनाते हैं। धन्यवाद। खिड़की खुला है बंद करने वाला कोई नहीं। खिड़की खुला है बंद करने वाला कोई नहीं। माता मरियम सामने है दर्शन करने वाले कोई नहीं। कोई सुमा कराए बलक यीशु के, कोई कोरा कराए बलक यीशु के, कोई सुमा कराए बलक यीशु के, कोई कोरा कराए बलक यीशु के। मैं तो लम को हर घरे सरनी में सुसल आए मुखड़ा है बड़ी सुंदरे, कोई
प्रभु यीशु खुश प्रभु।